मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज के क्लास में हम जीएसटी के रिगार्डिंग में जो इनपुट से आउटपुट को एडजस्ट करना होता है उसके रिगार्डिंग में हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में जो हम परचेस कर रहे थे और सेल कर रहे थे जिसमें आपका इनपुट एसेट्स और आउटपुट लायबिलिटी बन रहा था उसको हमने एक्सप्लेन किया था, एक बार उसको हम रिकैप कर देते हैं, ठीक है। सारे चीज हो केयरफुल होके आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड कंपनी 1,00,000 रुपए का परचेज हुआ है, उसमें 18% जीएसटी है और ये सिचुएटेड है झारखंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री जो कर रहा है जमशेदपुर कंपनी कर रहा है, वो भी सिचुएटेड है आपका झारखंड में। तो सेम स्टेट में जब होता है विद इन स्टेट है वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का हम लोग यूज करते हैं। तो व्हाट एंट्री कुड बी पास, क्या एंट्री पास होगा, परचेस अकाउंट को हमने डेबिट किया 1,00,000 रुपया और उस पर 18% जीएसटी चार्ज हुआ, ठीक है ना। इनपुट सीजीएसटी 9,000 रुपीज, इनपुट एसजीएसटी 9,000 रुपीज। ये 9,000 कैसे आया, 1,00,000 रुपया है। यहाँ पे वर्किंग नोट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम, ठीक है ना। 1,00,000 रुपीज, ठीक है, उस पर 18% चार्ज हुआ, ठीक है ना। 18% जब जीएसटी चार्ज हुआ तो आपका निकल के आया 18,000। अब 18,000 रुपीज में आपका 9,000 हो जाएगा आपका किसका, ये हो जाएगा सेंट्रल का, और 9,000 रुपीज हो जाएगा आपका स्टेट का। अरे क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहीं पर ये आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दिख रहा है, आर क्लियर। और नेक्स्ट जो सेल वाला एंट्री हुआ है वो श्याम को सेल किया जा रहा है, और श्याम भी देखिएगा झारखंड में है, ठीक है ना। और जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है जमशेदपुर कंपनी वो भी आपका झारखंड में है। तो सेल कर रहे हैं तो श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, आर क्लियर। अब देखिए ये इनपुट, ध्यान दीजिएगा ये इनपुट जो हो रहा है और ये आपका आउटपुट है, इसी को हम लोग को एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा इनपुट जो होता है इनपुट, ठीक है ना, तो इनपुट सीजीएसटी आपको दिख रहा है 9,000 रुपीज का, और इनपुट एसजीएसटी ये भी आपका दिख रहा है 9,000 रुपीज का। बोथ आर एसेट्स, ये क्या है आपका एसेट्स है, परचेस करते समय जो टैक्स का हम पेमेंट करते हैं वो मेरा इनपुट होता है, वो मेरा एसेट होता है। और सेल करते समय जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है वो मेरा क्या है, लायबिलिटी है। तो यहां पे आपका आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है ना, और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है ना, ये हो गया आपका 18,000 रुपीज का ये, और 18,000 रुपीज का ये, ठीक है ना। ये दोनों है आपका लायबिलिटीज, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये एसेट है, ये आपका लायबिलिटी है। अब इसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहां पर वर्किंग नोट टाइप का एक्सप्लेन कर देते हैं कि एसेट्स अगर आपका इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, और एसेट जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, और लायबिलिटीज अगर आपका इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो हमारा कितने का भाई लायबिलिटी है, हमको पैसा कितना पे करना है, तो हमको 36,000 रुपीज पे करना है, 18,000 रुपीज सेंट्रल को और 18,000 रुपीज आपको स्टेट को। तो हमको लायबिलिटी को पे करना है, तो पे करेंगे तो हमारा लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि लायबिलिटी जब कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट एंट्री जो करेंगे इनपुट से और आउटपुट का, जो एडजस्टमेंट एंट्री, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ भाई, कि लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी मेरा कम होगा, और लायबिलिटी जब कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है,
इस चीज को क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। तो कितना से मेरा लायबिलिटी कम करना है भाई, तो 18,000 का ये है और 18, लेकिन मेरे पास एसेट कितना है, मेरे पास एसेट तो 9,000 रुपया है और 9,000 यही है ना। तो जितना मेरे पास एसेट होगा उतना ही ना हम पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। हमको पे करना है 36,000 लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितना है 9,000 और 9,000, तो हम तो पे कर पाएंगे 9,000। तो हम यहाँ पर 9,000 रुपीज से हम क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो 9,000 रुपीज से आपका सीजीएसटी डेबिट आउटपुट और आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, और फिर क्या होगा यहाँ पर टू, जब हम लायबिलिटी को कम करेंगे तो मेरा एसेट क्या होगा, कम होगा। तो एसेट डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो क्लियर है, यहां पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। हमारा लायबिलिटी है, ठीक है ना, उतना हमने कम किया, यहां पर 9,000 रुपीज से हमारा ये हो जाएगा और 9,000 रुपीज ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, हमको पे करना था 36,000 रुपीज, हमने कितना पे किया है 18,000 रुपीज, ठीक है। तो और जो रिमेनिंग 18,000 रुपीज बचेगा उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट जो जो बैंक या कैश से पेमेंट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। यहां पर दिखा देंगे 18,000 रुपया और 9,000 रुपीज से ये डेबिट, 9,000 से ये डेबिट। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए मेरे पास अवेलेबल एसेट था 18,000 रुपया, ठीक है ना, मेरा लायबिलिटी था 36,000 रुपीज का। तो क्या करेंगे, जितना मेरे पास एसेट है उतना ही ना हम लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएंगे। तो 18,000 रुपीज मेरे पास अवेलेबल था इनपुट, तो उतना से हमने यहाँ पर लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, आउटपुट सीजीएससी और आउटपुट एसजीएससी। लायबिलिटी जब भी कम भी होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, इसको डेबिट कर दिया। और एसेट जब भी कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसको कम कर दिया। तो मेरा 18,000 रुपये का हमने लायबिलिटी को एडजस्ट कर दिया, उसके बाद भी मेरे पास 18,000 का लायबिलिटी और पेमेंट करना है। तो अब मेरे पास एडजस्टमेंट करने के लिए इनपुट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, रिमेनिंग जो 18,000 रुपया जो बचेगा उसको हम बैंक से पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनपुट से आउटपुट किस तरीके से एडजस्ट होता है। तो जितने भी एंट्री है, पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, ठीक है ना, और ये एडजस्टमेंट में ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे चीजों को केयरफुल होके देखिए, ठीक है ना। आप थोड़ा सा एसेट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट उसको समझिए, पिछले बहुत सारे वीडियो में हम सारे चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। और जहां दिक्कत लगती है तो आप कॉमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज पहली बार हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जो भी चैनल है इसको शेयर भी कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा तो जो लोग स्टूडेंट्स लोग हैं जहाँ पर परेशानी में पड़े हैं उनको बहुत सारे तरीके का सपोर्ट मिल पाएगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमको थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर अपलोड कर पाएँ और आप लोग अपने करियर को अच्छे तरीके से बिल्डअप कर पाइए। ओके, थैंक यू।